हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में हमने अपने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उससे आगे के आज की वीडियो में है। तो हम सबसे पहले लेते हैं अपना 26 क्वेश्चन। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, कौन सी भाषा में की गई थी? तो वो थी, इसका आंसर होगा सेकेंड, पाली भाषा में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना जो की गई थी वो की गई थी पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने के समय में पाली जो भाषा थी वो सामान्य जनता की भाषा थी। उन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया जिससे कि जो आम जनता है उसे आज आसानी से समझ सके। तो इसका सही आंसर हुआ पाली भाषा में। अब चलते हैं हम 27 क्वेश्चन पर। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म का स्थान था, गौतम बुद्ध हुए थे लुम्बिनी में, उनका जन्म स्थान हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग हुआ था 563 ईसा पूर्व में, जो कि कपिलवस्तु के समीप एक लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता का जो नाम था वो था शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। और जो गौतम बुद्ध की माताजी थी उनका नाम था माया देवी, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, इसका सही आंसर हुआ लुम्बिनी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 28 पर। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने जो धर्म संदेश दिया था अपना पहला, वो दिया था सारनाथ में। इसका सही आंसर है सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में है। उरुवेला में, यानी कि बोध गया से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध सबसे पहले ऋषिपतन यानी कि सारनाथ आए थे। उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। तो इसका सही आंसर हुआ सारनाथ। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 29। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख इनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, और इसका लास्ट है ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेना चाहिए। जो दो बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो बौद्ध धर्म जो है इनमें से 3 मतों पर विश्वास रखता है। तो इसका सही आंसर हुआ थर्ड, ए बी सी। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध को जिन 4 आर्य सत्यों का ज्ञान हुआ था उसे उन्होंने संपूर्ण जगत में लागू किया। तो इसमें पहला था दुख संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, जीवन दुखों तथा कष्टों से परिपूर्ण है। और दूसरा था दुख समुदाय प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तीसरा था दुख निरोध प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है, अतः यही उस कारण का विनाश हो जाए तो वस्तु का विनाश हो जाएगा। और जो चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। तो इसका जो आंसर हुआ वो हुआ थर्ड, ए बी सी, यानी कि बौद्ध धर्म दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, और यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। इन मतों पर विश्वास करता था जो बौद्ध धर्म था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था, तो जो आजीवक संप्रदाय था वो था बुद्ध का समसामयिक। तो इसका आंसर हुआ सही बुद्ध का समसामयिक। बुद्ध का समसामयिक आजीवक भी एक धार्मिक संप्रदाय था। नई विचारधाराओं से प्रभावित होकर अनेक नए संप्रदायों का उदय हुआ था, जिनसे कर्मकांडिक वैदिक धर्म का भी विरोध किया। तो इसका सही आंसर हुआ बुद्ध का समसामयिक। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पर। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान का शिक्षक था अरस्तु। इसका सही आंसर है अरस्तु।
जो सिकंदर थे उनके महान का सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। जो सिकंदर के पिता थे उनका नाम फिलिप था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया और जो उनके सेनापति थे सिकंदर के उनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो इनका जो 31 का आंसर हुआ अरस्तु। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ी थी झेलम। इसका सही आंसर हुआ झेलम। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइडस्पीस का युद्ध यानी कि झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी उसे झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हुआ झेलम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? तो इसका सही आंसर है सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर के सेनापति थे। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके जो पूर्वी प्रदेशों का भाग था वो सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था। सेल्यूकस निकेटर ने ही सिंध नदी पार करके चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया था और जो सेल्यूकस निकेटर था वो युद्ध में हार गए थे। तो इसका सही आंसर हुआ सेल्यूकस निकेटर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। उन स्तंभदारों को क्या कहते हैं जो भिक्षु पूजा करते हैं? तो उन्हें कहते हैं चैत्य। चैत्य एक सिरे पर स्तूप के साथ एक बौद्ध पूजा स्थल या प्रार्थना भवन होता है, जिसका निर्माण भक्तों के अधिक संख्या में इकट्ठा होने के लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर हुआ चैत्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इसका प्रचार किया था बौद्ध धर्म। इसका सही आंसर हुआ बौद्ध धर्म। जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। तो बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है तो आपको कोई कष्ट भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म यानी कि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध का समकालीन था बिंबिसार। तो इसका सही आंसर हुआ बिंबिसार। मगध साम्राज्य की महत्ता का जो वास्तविक संस्थापक था वो था राजा बिंबिसार। वह हर्यक कुल से संबंधित था। डी.आर. भंडारकर का मानना है कि बिंबिसार भारत प्रारंभ में लिच्छवियों का सेनापति था, जो उस समय मगध में शासन करते थे। जो बिंबिसार था, बिंबिसार लगभग 30 वर्षों तक बौद्ध धर्म के विकास में सहायक रहा। तो इसका सही आंसर हुआ बिंबिसार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में संकलित हैं? तो इसका सही आंसर है जातक कथाएं। जो जातक कथाएं हैं उसमें बुद्ध के जन्म और पूर्व जन्म की कहानियाँ संकलित हैं। जातक कथाएं मनुष्य और जंतु दोनों रूप में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित एक विशाल कथा संग्रह है। पवित्र बोध कथा के सिद्धांत के एक भाग के रूप में इसमें बुद्ध के लगभग 550 दंत कथाओं और जो पौराणिक कथाएं हैं वो चित्रित की गई हैं। तो इसका सही आंसर हुआ जातक कथाएं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है वो आयोजित की गई थी राजगृह में। तो इसका सही आंसर हुआ राजगृह। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीति हुई। जो पहली संगीति थी राजगृह, दूसरी वैशाली,
तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर। तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो 38 का जो आंसर हुआ वो हुआ राजगृह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है, जो बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सेकंड, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, जिसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका सही आंसर हुआ सेकंड। बोध गया से चलकर महात्मा बुद्ध सबसे पहले पहुंचे सारनाथ तथा वहां अपने पूर्व काल के 5 साथियों को उपदेश देकर अपना शिष्य बना लिया। तो जो उन्होंने उपदेश दिया था इस परंपरा को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका सही आंसर हुआ सेकंड। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पर। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो ये सब मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। इसका सही आंसर हुआ त्रिरत्न। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में बुद्ध, संघ और धर्म तीन रत्न माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध के स्वरूप पर चित्र को केंद्रित करने से मनुष्य के मन में वितृष्णा और स्थिरता आती है। संघ के प्रभाव से साधक में विश्वास और उत्साह का उदय होता है और धर्म के सेवन से उसके आत्मिक बल की वृद्धि होती है। गौतम बुद्ध ने संघ को सर्वाधिक महत्व दिया है। तो इसके जो त्रिन रत्न थे वो थे बुद्ध, संघ और धर्म। तो इसका सही आंसर हुआ त्रिरत्न। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मिलिंद पनोह क्या है? जो मिलिंद पनोह है वो क्या है? वो एक बौद्ध ग्रंथ है। इसका आंसर हुआ बौद्ध ग्रंथ। जो मिलिंद पनोह है 100 ईस्वी पूर्व का एक बौद्ध काव्य है जिसमें भारतीय यूनानी राजा मिनांडर प्रथम के प्रश्नों का उत्तर बौद्ध विद्वान नागसेन द्वारा किया गया है। एक बौद्ध विद्वान थे नागसेन, उनके द्वारा किया गया है। तो इसका 41 का जो आंसर हुआ हुआ बौद्ध ग्रंथ। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? जो बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है वो है थर्ड, यानी कि दिगंबर। जो दिगंबर है वो जैन धर्म में आता है। जैन धर्म के दो संप्रदायों में से एक है। इनका पहला संप्रदाय दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। तो इसका सही आंसर हुआ दिगंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका सही आंसर है महावीर का प्रथम जो शिक्षक था, सॉरी शिष्य था, वो था जमाली, जो इनके दामाद थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने पावा में 11 ब्राह्मणों को भी जैन धर्म में दीक्षित किया, जो सर्वप्रथम अनुयायी माने जाते हैं। लेकिन जो सबसे पहले शिष्य थे उनके वो थे जमाली, जो कि महावीर जी के दामाद थे। तो इसका सही आंसर हुआ जमाली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? तो जो वर्धमान महावीर हैं उन्हें वो जैना नाम से भी विख्यात हैं। इसका सही आंसर हुआ जैना। वर्धमान जो महावीर को जैना नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो जैना शब्द है उसका अर्थ होता है विजेता, और जो जैना शब्द से ही जैन की उत्पत्ति हुई है। तो इसका सही आंसर हुआ है जैना। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? जो जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया वो बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो वो बौद्ध भिक्षु थे पद्मसंभव। इसका सही आंसर है पद्मसंभव। तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय में 8वीं शताब्दी में बौद्ध मुनि पद्मसंभव का आगमन शामिल है। पद्मसंभव ने कई जो बौद्ध ग्रंथ थे उनका तिब्बत भाषा में अनुवाद किया था। तो इसका सही आंसर हुआ पद्मसंभव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर।
गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अंकित किया जाता है, इसका सही आंसर हुआ अशोक मौर्य का, यानी कि रुमिंदेई स्तंभ। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है और जो उनके सम्मान में भारत के महान सम्राट जो थे अशोक, उन्होंने 249 ईसा पूर्व में लुम्बिनी की अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान, वो तीर्थ यात्रा पर निकले थे उसके दौरान, एक स्तंभ बनवाया था। अशोक के समय में लुम्बिनी को रुमिंदेई के नाम से जाना जाता है। तो जो अशोक थे उन्होंने स्तंभ बनवाया था, अशोक मौर्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो विशिष्ट पहचान रखते थे कौन से? बुद्ध के युग में। इसका सही आंसर हुआ बुद्ध के युग में। भगवान बुद्ध के काल में बौद्ध साहित्य में क्षत्रियों को क्षत्रियास के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में उनकी वास्तविक पहचान कम हो गई थी। इस प्रकार वैश्य जाति के संबंध में भी यह सही है। तो ये था क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे बुद्ध के युग में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। न्याय सूत्र किसने लिखी? जो न्याय सूत्र थी वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी गौतम। इसका सही आंसर है गौतम। अक्षपाद गौतम द्वारा रचित न्याय सूत्र एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। ये एक संस्कृत ग्रंथ है न्याय सूत्र। तो ये किया था गौतम ने। इसका सही आंसर हुआ गौतम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो इनको जो मान्यता प्राप्त हुई थी वो थे 4 आश्रम। और वो कौन कौन से आश्रम थे? जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहे थे तो ब्राह्मणों ने आश्रमों की व्यवस्था विकसित की थी। तो उस टाइम 4 आश्रमों को मान्यता दी गई थी। वो थे एक ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इन 4 आश्रमों की को मान्यता प्राप्त हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कौन सा काल कहलाता था? तो वो काल कहलाता था धार्मिक उत्तेजना। विश्व में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को धार्मिक उत्थान युग माना जाता है। इस शताब्दी में भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था, तो इसलिए इसे कहते हैं धार्मिक उत्तेजना। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।